वजह से कामकाज ठप हुआ था और इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी खासा असर पड़ा था। लेकिन बहुत जल्द आर्थिक नीति में परिवर्तन कर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए आयात और निर्यात नीति को भी संशोधित किया गया है। इसका सीधा असर स्टील सेक्टर पर पड़ा है। यूरोपीय देशों को सबसे बड़ी मात्रा में भारत से स्टील भेजा जाता है, बदले में भारत को विदेशी मुद्रा हासिल होती है। नई नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिल रही है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि वैसे तो स्टील यानी कि इस्पात सेक्टर में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय की जाती है, लेकिन भारत में इस्पात नीति पर काफ़ी काम किया गया है और सिर्फ जरूरी इस्पात को ही आयात करने की अनुमति दी है, जिससे भारत के ऊपर भुगतान का कम से कम बोझ पड़ रहा है। भारतीय कंपनियों के लिए स्टील सहज उपलब्ध हो सके, इसके लिए आयात में कुछ कमी की गई है, जिससे भारतीय बाजार में स्टील आसानी से उपलब्ध है। स्टील सेक्टर में भारतीय कंपनी ज़्यादा काम कर सके, इसके लिए ग्लोबल टेंडर की बजाय भारतीय कंपनियों से ही टेंडर बुलाए जा रहे हैं। यह भारतीय उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस्पात नीति अहम रोल अदा कर रही है। इधर प्रदेश सरकार के द्वारा लाए गए धर्म स्वतंत्र विधेयक पर विधानसभा में होने वाली चर्चा पर मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि इस पर तुरंत कानून बनना चाहिए, जिससे किसी के साथ भी अन्याय न हो सके। इस तरह से आप देखते हैं, देखिए ये जो प्रावधान अभी करने वाले हैं तो ये तो कल 28 को सोमवार को विषय आएगा हाउस के अंदर, और जब ये इस पे चर्चा होगी कानून का प्रारूप किस प्रकार का होगा। परंतु ये सही है कि जो भी लोग हैं, जो गलत काम करने वाले लोग हैं या महिलाओं के साथ में या सामाजिक क्षेत्र में अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो स्वाभाविक है उन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि कई बार ऐसे अनुभव आए हैं कि कानून के खिलाफ में लोग काम करते हैं। और इसलिए इसका प्रारूप मुझे अभी पता नहीं है, परंतु चर्चा जिस प्रकार की है तो जब ये विषय आएगा तो निश्चित तौर से उस पर प्रावधान जब करेंगे और सारी डिस्कशन के बाद क्या क्या उसके लिए जो महत्वपूर्ण पक्ष है तो उस पर चर्चा होने के बाद उसको विधानसभा से पास करके कानून का स्वरूप दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस समय जो भी है चर्चा में जो विषय चल रहे हैं तो उस आधार पर इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है और कानून जैसा बनेगा उस आधार पे फिर कानून काम करेगा, क्योंकि इसकी जो भी प्रक्रिया है विधि है वो हाउस तय करेगा और वहाँ पास करने के बाद कानून। लव जिहाद और जो विभाग है खासतौर पर स्टील, वो अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करता है। जो कोरोना काल रहा उसमें एक तरह से स्लो डाउन जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए और जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो रोड मैप। देखिए हमारे यहाँ स्टील सेक्टर में क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हमारी सारी पॉलिसी रहती है, परंतु हमने डोमेस्टिक मार्केट को थोड़ा बढ़ाने के लिए जो भी हमारा स्थानीय हमारे रॉ मटेरियल्स है उसको भी हमने डाइवर्ट किया है। जो एक्सपोर्ट हम करते थे उसको थोड़ा हमने कम किया है। इम्पोर्ट के बारे में भी हमने कहा है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस देश में या देश की कंपनियों के लिए, देश के यूनिटों के लिए, उद्योगों के लिए जो ज़रूरी है उसका उपयोग छोड़ करके बाकी चीज़ों का उपयोग हम स्थानीय आधार पर करेंगे। हमने ये भी कहा है कि 200 रुपये तक जो ग्लोबल टेंडर्स होते थे उसको हमने अब देश के लोगों के लिए कर दिया है। पहले कोई भी व्यक्ति आता था, पर इस बार भारत के लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ नीति हमने इस बार परिवर्तन किया है। हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स होता है
स्क्रैप पॉलिसी हमने डिसाइड किया है, क्वालिटी के बारे में हमने पहली बार, सेफ्टी के बारे में हमने किया है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। हमने कोशिश किया है कि जितना इसमें सुधार संभव कर सकते हैं वो हमने कोशिश कर रहे हैं, और मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि हम धीरे धीरे आज सर्वाइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। ये ज़रूर है कि मार्केट में थोड़ा स्टील थोड़ा महंगा ज़रूर हुआ है, परंतु कभी अप डाउन भी होता है, और इसलिए ये सारे निर्णय जो भी नीतिगत होते हैं वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिसाइड होता है, और इसलिए कई बार अप डाउन होते रहते हैं, परंतु आज बहुत अच्छी स्थिति में स्टील सेक्टर पहुंचा है। रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।